अंग्रेजों ने छावनी अजमेर में अपना अड्डा बना लिया, अजमेर से जोधपुर के बीच, अजमेर से जोधपुर, यहां बीचों बीच एक जनजाति रहती है, जनजाति का नाम था मेर। कौन सी जनजाति थी? और मेर जनजाति का काम था लूटपाट। अजमेर से जोधपुर कोई जाए, जोधपुर से अजमेर आए, बीच में लूट लो। अब अंग्रेज आए, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों की। तो जनता ने अंग्रेजों को जाके कहा कि भाई साहब जब तुम सिक्योरिटी दे ही रहे हो तो मेरों से दो, ये मेयर लूट लेते हैं हमको। तो अंग्रेजों का ठीक है, हम मेयरों से तुम्हें वो सुरक्षा दिलाएंगे। इसलिए जोधपुर से अजमेर के बीच में छावनी बनाएंगे। कहां से कहां के बीच छावनी बनाएंगे? जोधपुर से, और जोधपुर से अजमेर के बीच में इन लोगों ने एक छावनी बनाई। वो छावनी बनाने वाला जो अफसर था, उस अफसर का नाम था डिक्सन। कौन सा? मेजर डिक्सन। बीच में सुनना इलाका पड़ा है, जोधपुर से अजमेर के बीच में सुनसान इलाका पड़ा, उसमें छावनी बना दी। और छावनी बनाने के बाद में वहां पर एक बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड पे लिख दिया बी अवेयर। क्या लगा दिया? सावधान रहो, आगे छावनी है। अभी भी आप कभी देखना जहां मिलिट्री रहती है वहां पे लिखा होता है सावधान रहें, आगे फौजियों का इलाका शुरू होता है, वाहनों की गति को धीमा कर लें, आगे मिलिट्री कैंप है, कृपया हॉर्न ना बजाएं, यहां पर सेना रहती है, ऐसे कई लिखे होते हैं। तो वहां उन्होंने बोर्ड लगा दिया बी अवेयर। क्या बोर्ड लगा दिया? बी अवेयर। ये जनजातियों का इलाका, लूटपाट हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। बी अवेयर, आगे फौजी रहते हैं तो ध्यान रखें आप। तो क्या क्या बोर्ड लगाया गया? बी अवेयर। छावनी वाली जगह पे क्या बोर्ड लगाया? अब अपने वाली जनता छावनी की तरफ जाके आती, वापस कोई पूछता किधर जाके आए थे कि बी अवेयर जाके आए थे। कहां जाके आए थे? तो बी अवेयर करते करते ब्यावर है। इसलिए आप देखिए ब्यावर की स्पेलिंग बी अवेयर है। हाँ जी, ब्यावर की स्पेलिंग क्या है? तो ये ब्यावर नहीं है, वास्तव में क्या है याद रहेगा। अच्छा, अब ये सबसे जोर, इससे भी जोरदार बात है, ब्यावर बचाने वाला कौन था? बहुत भला, बहुत अच्छा आदमी था, ये इंडिया बस गया था, इंडिया से गया नहीं वापस। वरना क्या होता, कोई नौकरी करने आता, जितने साल इंडिया में नौकरी की, बाद में यहां से वापस, ये गया नहीं, यही बस गया था। इसकी वाइफ भी यही मरी थी, ये भी यही मरा था। तो जब ये ब्यावर में मरा तो इसकी ब्यावर में मूर्ति लगा दी गई और इसके लोग पूजा करने लग गए। डिक्सन ब्यावर का लोक देवता है, डिक्सन ब्यावर का। आजादी आई, आजादी आने के बाद में किसी ने डिक्सन की मूर्ति हटा दी, किसी में राष्ट्रवाद की भावना आई, किसी ने कहा ये अंग्रेजों की मूर्ति हमारे शहर में नहीं लगने देंगे, हटा दो इनकी मूर्ति, और डिक्सन की मूर्ति हटा दी। डिक्सन की मूर्ति हटा दी तो ब्यावर में लगातार 4 साल बारिश नहीं हुई। डिक्सन की मूर्ति वापस लगाई, ब्यावर में बरसात हुई। डिक्सन क्या है? ब्यावर का। अच्छा, मैंने बताया जनजातियों का इलाका था, जनजातियों का इलाका था, इसलिए रक्षा करनी जरूरी है। तो छावनी बनाई तो भी शहर बनाया भाई, छावनी का मतलब फौजी रहेंगे तो उनके परिवार रहेंगे तो दुकानें बनेगी, तो छोटा मोटा यूं गांव टाइप का तो बस ही गया, यहाँ पे आबाद तो ही गया इलाका, इसलिए इसके चारों तरफ दीवार बनाई। शहर के चारों तरफ क्या बनाई? यार जनजातियों का इलाका है, कहीं कोई गांव में आगे लूटपाट ना कर ले, क्या पता फौजी सो रहे हो और रात को ही आगे लूटपाट कर जाए, इसलिए चारों तरफ क्या बना दी जाए? दीवार। शहरों के चारों तरफ जो ये दीवार बनती है इसको बोलते हैं परकोटा। क्या बोलते हैं? रैमपार्ट। आप जयपुर देख लो, आपने पुराने वाला जो जयपुर, उसके चारों तरफ घाट गेट, अजमेरी गेट, संगानेरी गेट बने हुए। आप जोधपुर देख लो, पुराना जो शहर है उसके चारों तरफ चार दीवारी। आप पुराना कोई शहर देखिए, उसके चारों तरफ क्या मिलेगी आपको? रक्षा के लिए चार दीवारियां बनाई जाती थी। भारत का अंतिम शहर जिसके चारों तरफ चार दीवारी बनाई गई थी, ब्यावर है।